जय श्री कृष्णा। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को इक्विलिब्रियम सिखाऊंगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो जैसे जब मैंने आपको वर्क और एनर्जी पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने इक्विलिब्रियम का मतलब बताया था नेट फोर्स का जीरो होना। बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो वो इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन सच्ची बात यह है कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। किसी भी बॉडी में दो तरह के मोशन हो सकते हैं, ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों हो सकता है। तो अगर नेट फोर्स जीरो है तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, और नेट टॉर्क जीरो है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। और ओवरऑल इक्विलिब्रियम तभी होगा जब बॉडी पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों जीरो होंगे। तो इक्विलिब्रियम अभी हम समझते हैं दो टाइप के हैं, एक ट्रांसलेशनल है और दूसरा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्योंकि उस समय हमने रोटेशन नहीं पढ़ा था तो समय इसके बारे में बात चर्चा नहीं करी थी। लेकिन दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक ट्रांसलेशनल एक रोटेशनल। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में जो नेट एक्सटर्नल फोर्स आता है ये जीरो आता है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में जो भी नेट एक्सटर्नल फोर्स आता है वो जीरो आता है, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क आता है वो जीरो आता है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है। ये दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी होगी जब उस पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों जीरो हो। ऐसा हो सकता है कि कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो हो लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो लेकिन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ना हो। ठीक है, तो दोनों बातें हो सकती हैं। कुछ ऐसे एग्जांपल हम लोग ढूंढ सकते हैं जहां पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। जैसे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं, इसका एग्जांपल ये है। इसका ये एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए रॉड है, इसके ऊपर हमने एफ फोर्स इधर से लगाया, एफ इधर से लगाया, तो नेट इसका नेट फोर्स इस पे कितना आ गया, जीरो के बराबर आ गया। लेकिन अभी आप देखोगे तो इसके अंदर रोटेशन हो रहा है भाई, ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क है, ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क है, दोनों टॉर्क क्लॉकवाइज है। तो इसके अंदर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो आ रहा है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो लेकिन रोटेशनल ना हो। उल्टा भी सही है, ऐसा भी हो सकता है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो लेकिन ट्रांसलेशनल ना हो। उसका एग्जाम्पल देख लो, सिंपल सा एग्जाम्पल है, दोनों फोर्स एक ही तरफ लगा दो तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो आ गया, नेट टॉर्क तो जीरो आ जाएगा इस पॉइंट के बाद, इसका क्लॉकवाइज इसका एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल आउट हो जाएंगे लेकिन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। और कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होता है। जैसे अभी मैं फैन ऑन कर दूं और ये फैन कॉन्स्टेंट स्पीड से चलने लगे, तो कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे ही होगा, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा। और अगर ये कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रहा है तो अल्फा जीरो होगा, अल्फा जीरो होगा तो टाउ बराबर है तो नेट टॉर्क भी जीरो होगा, तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा रोटेशनल में भी होगा। या जैसे मान लीजिए कि ये डस्टर है, ये मेरे हाथ में ऐसे पड़ा हुआ है, तो ये दोनों टाइप के इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों इसमें है। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? ये बात सबको समझ में आ रही। अब बहुत सारे केसेस आते हैं जहां पे हम लोग ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम से जुड़ी हुई बातें करते हैं। तो कुछ एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं जहां पर हम इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को समझेंगे। सपोज करिए ये एक रॉड है, हाँ, और इस रॉड के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं। रॉड का मास m है, रॉड की लंबाई l है। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो रॉड, ये डिस्टेंस जो है वो l बाई फोर के बराबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसके अंदर आ रहा है, ये जो रॉड है दो रस्सियों से जुड़ी हुई है, पहली रस्सी का मान लिया टेंशन T1 है, दूसरी का T2 है। तो क्वेश्चन आ रहा है इसके अंदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 और T2 की वैल्यू बताएं, फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। तो इसके अंदर जैसे सॉल्व करेंगे तो ये T1 T2 पर लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है। तो हम इक्वेशन लिखें तो T1 प्लस T2 ये mg के बराबर हो जाएगा, T1 ऊपर T2 ऊपर की तरफ, ये mg के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखें, इस पॉइंट के अबाउट, तो इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आएगा, जो भी टॉर्क आएगा वो T1, इसका जो टॉर्क आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा, इसका एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो यह आ जाएगा T1 इंटू एल बाई टू माइनस T2 इंटू एल बाई फोर, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। T2
T1 into L by 2 इधर होगा, T2 इधर आ जाएगा, माइनस T2 into L by 2 L by 4 जीरो के बराबर जाएगा। और हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से T1 इज इक्वल टू T2 by 2 आ जाएगा, ठीक है। और एक अगर हम फोर्स बैलेंस करें तो T1 plus T2 जो ऊपर की तरफ लग रहा है उसकी वजह से T1 plus T2 इज इक्वल टू MG आया ही था, तो हम यहाँ पर T1 की जगह T2 by 2 रख देते हैं। तो T2 by 2 प्लस T2 इज इक्वल टू MG, तो T2 की वैल्यू जो आती है वो 2MG by 3 आ जाएगी, T2 आ जाएगा 2MG by 3 और T1 की जो वैल्यू आएगी वो MG by 3 के बराबर आ जाएगी, एक 2MG by 3 हो जाएगा और एक MG by 3 के बराबर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए एक और सवाल देता हूं मैं करने के लिए। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं करने के लिए, देखें ये सब उस करो कि दो एक मतलब रॉड है और इसको दो लोग लेके जा रहे हैं, दो बच्चे दोनों सेम हाइट के हैं, दोनों सेम हाइट के हैं और ये दोनों के सर पे ये रॉड रखी हुई है और ये दोनों रॉड को लेकर के जा रहे हैं और रॉड का मास m है और रॉड की लंबाई l है, ठीक है। ये दोनों रॉड को लेके जा रहे हैं, अब रॉड को अगर लेके जा रहे हैं जैसे इसका नाम ए है इसका नाम बी है, ठीक है। वजन ज्यादा है, वजन ज्यादा है भाई, काफी बड़ा लोड है तो दो लोग इसको शेयर करके ले जा रहे हैं, तो अब इसमें क्या होता है, सडनली द बॉय कैपिटल ए डिसअपीयर्स, सडनली द बॉय कैपिटल ए डिसअपीयर्स, भाग जाता है ये, ठीक है। फाइंड द फोर्स बाय बॉय ऑन रॉड, सडनली द बॉय ए डिसअपीयर्स, फाइंड द फोर्स बाय बॉय ऑन द रॉड, बॉय जो है रॉड पे जो फोर्स लगा रहा है उसकी वैल्यू बतानी है उसके तुरंत बाद। हाँ बी अकेला, बी अकेला है, ठीक है। ए जब भाग जाएगा, ए अचानक से गायब हो गया, तो उस समय जब जैसे ही गायब होगा उस समय आपको बताना है कि बी के बी जो है वो रॉड पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये आपको बताना है जस्ट। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें जैसे ए डिसअपीयर हो गया, तो जैसे ही ए डिसअपीयर होगा, मान लेते हैं यही सिचुएशन है, ए जो है वो डिसअपीयर हो गया। अब डिसअपीयर हो गया तो ये बहुत सिंपल सा सवाल हो गया, इस पे एमजी नीचे की तरफ लग रहा है, एन ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूंगा तो इसका इक्वेशन आएगा mg माइनस n इज इक्वल टू ma, एक ही आ जाएगा इक्वेशन। दूसरा अगर मैं इस पॉइंट के बाद टॉर्क ले लूं, इस पॉइंट के बाद टॉर्क ले लूं, तो mg इंटू एल बाई टू ये हो जाएगा i अल्फा, i हो गया ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, 3g अपॉन 2l, जो अल्फा आएगा वो आ जाएगा 3g अपॉन 2l के बराबर। अब अल्फा 3g अपॉन 2l के बराबर आ गया, तो अब हम सॉल्व करेंगे, a इज इक्वल होता है r अल्फा, ये हो जाएगा m, और इसका जो एक्सेलेशन आएगा वो l बाई 2 इंटू अल्फा हो जाएगा, l बाई 2 इंटू अल्फा, अल्फा 3g अपॉन 2l। तो सॉल्व करेंगे ना हम, सब कटपुट आगे n आ जाएगा mg बाई 4, तो इसके ऊपर जो नॉर्मल लगेगा वो mg बाई 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। एक इक्विलिब्रियम का सवाल और हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें ये एक रॉड है, रॉड का मास m है, रॉड की लंबाई l है, एंगल थीटा के बराबर है, ठीक है। रॉड का मास m है, रॉड की लंबाई l के बराबर है, ये एंगल थीटा के बराबर है और यहां पर ये वाला जो सरफेस है वो स्मूथ है, दीवार स्मूथ है लेकिन ग्राउंड जो है वो रफ है, ग्राउंड जो है वो रफ है। क्वेश्चन है, इसके अंदर क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन
एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड रॉड इज स्टेशनरी. फाइन, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड इज स्टेशनरी. रॉड के ऊपर कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू बतानी है, और जो रॉड है वो स्टेशनरी है, रुकी हुई. तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. इसमें मैं मान लेता हूं कि यहां पे फ्रिक्शन एफ लग रहा है और नॉर्मल यहां पे एन है, और यहां पे नॉर्मल मैंने एन वन मान लिया और यहां पे मैंने एम जी फोर्स मान लिया. ठीक है, तो एक तो ये है कि भाई इक्विलिब्रियम में जरूरी नहीं कि हर जगह हम टॉर्क ही लेके कूद पड़े. अगर फोर्स बैलेंस से काम नहीं चल रहा है तब टॉर्क बैलेंस करें ना. अगर फोर्स बैलेंस से काम चल जा रहा है तो टॉर्क बैलेंस करने की जरूरत नहीं है. तो अब फोर्स बैलेंस के हिसाब से अगर देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे. तो वर्टिकल में एक ऊपर लग रहा है एन और एक नीचे लग रहा है एमजी. हॉरिजॉन्टल में बैलेंस होंगे, एक एफ लग रहा है एक एन वन लग रहा होगा. अभी देखा जाए तो वेरिएबल हमारे पास तीन है, इक्वेशन दो है. वेरिएबल कौन कौन से हैं? एन एफ और एन वन. इक्वेशन दो है तो एक इक्वेशन की जरूरत और पड़ने वाली है. वो जो एक इक्वेशन की जरूरत पड़ने वाली है वो हम टॉर्क से निकालेंगे. किस पॉइंट के बाद टॉर्क लेना सबसे ज्यादा उचित रहेगा, समझदारी भरा काम? इस पॉइंट के बाद टॉर्क लेना बहुत ज्यादा समझदारी भरा काम होगा. क्यों? क्योंकि एन और एफ दोनों का टॉर्क जीरो हो जाएगा. अब अगर हम इस पॉइंट के बाद टॉर्क लें तो एमजी की जो लाइन ऑफ एक्शन है, mg की लाइन ऑफ एक्शन, ये डिस्टेंस l बाई टू है, तो इस लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर बनाएंगे तो l बाई टू cos थीटा आएगा. तो हो जाएगा mg इंटू एल बाई टू cos थीटा. ये mg की लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर बनाएंगे तो mg इंटू एल बाई टू cos थीटा. और इधर n1 की लाइन ऑफ एक्शन जो है अगर हम इस पर परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी l sin थीटा. तो माइनस n1 इंटू एल sin थीटा इज इक्वल टू जीरो. ये हो जाएगा l बाई टू cos थीटा. अच्छा, ये लिखा नहीं था, l बाई टू cos थीटा. अभी सॉल्व करेंगे तो ये आपका n1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी. l से l जा रहा है तो n1 आएगा mg cot थीटा बाई टू. ये आ जाएगा. इसी के अंदर एक और सवाल बनता है. मैं सवाल लिखता हूं, फाइंड द मिनिमम फाइंड द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सच दैट द रॉड डज नॉट स्लिप. कम से कम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू बताओ जिससे कि रॉड फिसल नहीं रही हो. मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट. तो अब इसके अंदर ये पूछा गया था कि फ्रिक्शन की, सॉरी, म्यू की क्या वैल्यू होगी जिस पिछले क्वेश्चन में जिससे कि रॉड स्लिप ना करे. तो देखो, हम तो ये जानते हैं कि एफ लेस देन और इक्वल टू म्यू एन होता है. ठीक है, एफ लेस देन और इक्वल टू म्यू एन होता है. अभी हमने एफ की वैल्यू निकाली थी पिछले क्वेश्चन में, कितनी आई थी? एम जी कॉट थीटा बाई टू. ये होगा लेस देन और इक्वल टू म्यू एन, और एन जो है वो एमजी के बराबर होगा. अभी निकाला था थोड़ी देर पहले. तो यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉट थीटा बाई टू. ये म्यू की वैल्यू आ जाएगी. तो म्यू की जो कम से कम वैल्यू होगी वो कॉट थीटा बाई टू के बराबर आ जाएगी. ठीक, चलिए. तो ये एक क्वेश्चन हो गया. एक और दे रहा हूं मैं. ये दोनों सरफेस इस बार रफ है, ये भी रफ है और ये भी रफ है. दोनों सरफेस रफ है और ये एंगल थीटा के बराबर है. रॉड का मास एम है, रॉड की लंबाई एल के बराबर है. क्वेश्चन लिखो, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग Find friction force acting on each surface. Rod is stationary. Find friction force acting on each surface. Rod is stationary. हर surface के ऊपर friction force लग रहा है. और तो देखिए, बड़ा बढ़िया सवाल आया है. इसमें फ्रिक्शन पूछा गया था. तो मैं मान लेता हूं
कि ये यहां पर फ्रिक्शन F1 लग रहा है और नॉर्मल N1 है, यहां पर नॉर्मल N2 है, और जैसे ये नीचे आना चाहेगा भाई फिसलना तो नीचे ही चाहेगा, तो इस पे जो फ्रिक्शन आएगा वो F2 आ जाएगा। ठीक है, तो अपना काम क्या है, पहले तो ये भाई फोर्स इक्वेशन से काम चल जाए, फोर्स बैलेंसिंग से काम चल जाए तो बहुत बढ़िया है, तब अगर उससे काम ना चले तो फिर टॉर्क बैलेंसिंग पे हम लोग। तो अगर हम फोर्स बैलेंसिंग से देखें तो इसमें फोर्स कौन कौन से, वर्टिकल एक mg भी लग रहा होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम सारे फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में आप ऊपर की तरफ देखें, तो क्या लग रहा है, n1 प्लस f2, ये किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर। n1 प्लस f2 जो है, n1 और f2 mg के बराबर हो जाएगा, और उसके अलावा f1 जो है वो n2 के बराबर हो जाएगा। F1 की वैल्यू, ये जो F1 है ये N2 के बराबर हो जाएगा, N1 प्लस F2 जो है वो mg के बराबर हो जाएगा। ये जो दो इक्वेशन ये बन गए फोर्स से। वेरिएबल कितने अपने पास, चार वेरिएबल हैं, चार हैं, N1, F1, N2, F2, ये चार हमारे पास वेरिएबल हैं। तो अब हमें इक्वेशन और बनाने पड़ेंगे, तो चलो एक टॉर्क का इक्वेशन बनाते हैं, ये वाला। इस पॉइंट के बाद अगर टॉर्क का इक्वेशन हम बनाएंगे तो F1 का टॉर्क और N1 का टॉर्क तो जीरो आएगा, हाँ mg का, F2 का और N2 का, इन तीनों का टॉर्क हमें लिखना पड़ेगा। तो इस पॉइंट के बाद अगर मैं टॉर्क लिखूंगा इस पॉइंट के बाद, तो mg की जो लाइन ऑफ एक्शन है उस पर परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो ये लंबाई आ जाएगी एल बाई टू कॉस थीटा, तो इसका जो टॉर्क आएगा वो mg इंटू एल बाई टू कॉस थीटा माइनस, ये तो mg का टॉर्क हो गया क्लॉकवाइज, लेकिन आप देखेंगे इस पॉइंट के अबाउट n2 का और f2 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो माइनस n2, और n2 के लाइन ऑफ एक्शन पर अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एक जो इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा l sin थीटा माइनस f2, f2 के लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर आएगा l cos थीटा, तो माइनस f2 into l cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन यहां जाएगा। और एक इक्वेशन की हमें और कमी पड़ रही है, एक इक्वेशन हमें और चाहिए, और ये चौथा इक्वेशन कहीं से नहीं मिलेगा आपको, और आप कितने भी टॉर्क इक्वेशन बनाएंगे सब घूम फिर के वही इक्वेशन बन जाएंगे और चौथा इक्वेशन आपको नहीं मिलेगा, और ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो ही नहीं सकता है। इसको हम लोग, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो इनडिटर्मिनेट होते हैं, जो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते जब तक कि कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाए, तो ये एक इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम है। फिजिक्स में या इंजीनियरिंग में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इनफैक्ट लाइफ के ज्यादातर प्रॉब्लम्स इनडिटर्मिनेट ही होते हैं जिसके अंदर हम सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। तो ये आप किसी भी पॉइंट के बाद टॉक लेंगे ना, इक्वेशन लिखेंगे, तो वो कोई नया इक्वेशन नहीं होगा, वो उन्हीं बाकी इक्वेशंस का परमुटेशन कॉम्बिनेशन होगा, आप करके देख भी सकते हैं। तो आप किसी भी और पॉइंट के बाद टॉक लेंगे तो कोई और नया इक्वेशन नहीं आएगा। तो हमारे पास वेरिएबल चार है, इक्वेशन तीन है, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं लिख देता हूं, दिस प्रॉब्लम इज इनडिटर्मिनेट, इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, या हम ये कह सकते हैं कि भाई इक्वेशन सफिशियंट नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ इक्वेशन सफिशियंट नहीं, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसको हम डिटर्मिनेट बना सकते हैं अगर ये बोलते हैं कि ये रॉड जस्ट स्लिप करने वाली है और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, अगर हम ऐसा बोल दें तो फिर हम इसको डिटर्मिनेट बना सकते हैं। ऐसे बना सकते हैं कि एफ एक दो इक्वेशन और आ जाएंगे ना, एफ वन इज इक्वल टू म्यू एन वन और एफ टू इज इक्वल टू म्यू एन टू, और इक्वेशन मिल जाएंगे तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल चूंकि इन्होंने कुछ बोला नहीं है कि ये स्लिप कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम जो आएगा वो इनडिटर्मिनेट आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इक्विलिब्रियम का। जैसे इक्विलिब्रियम का सवाल बनता है दरवाजे वाला सवाल, डोर प्रॉब्लम। जैसे दरवाजा है, अगर इस दरवाजे को आप देखें तो इस दरवाजे को कौन सपोर्ट करता है, किसके भरोसे रुका रहता है, ये हिंज पे सपोर्टेड होता है, जो किनारे किनारे हिंज लगी होती है उन, ऐसा नहीं कि दरवाजा जमीन पे रुका रहता है, जमीन पे अगर रुका होता तो घिसता ना दरवाजा खोलने पे, जमीन पे बिल्कुल नहीं टच करता है, तो ये हिंजेस के ऊपर सपोर्टेड रहता है। तो ये जो दरवाजा है ये भी हिंज के ऊपर सपोर्टेड है, एक हिंज यहां पर है, मान लीजिए दो हिंज है, वैसे रियल लाइफ में तीन हिंजेस होती है दरवाजों पे, लेकिन दो हिंज पे भी सपोर्ट हो सकता है। और ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस ये एल है, ये डिस्टेंस भी L है और ये भी L है, कुल मिला के दरवाजे की लंबाई 3L है और दरवाजे की चौड़ाई जो है वो L है। ठीक है, दरवाजे का मास M के बराबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसके अंदर है, फाइंड द फोर्स बाय ए हिंज
ऑन, फाइंड द फोर्स बाय ए हिंज ऑन द डोर. इट इज गिवन दैट फाइंड द फोर्स बाय ए हिंज ऑन द डोर. इट इज गिवन दैट each door find the force by hinge on the door it is given that each door sorry each hinge applies equal magnitude Find the force by a hinge on the door. It is given that each hinge, applies equal magnitude of force on the door. सवाल में एक बार समझा दे रहा हूं. ये दरवाजा है, ये दो हिंज हैं जिनके भरोसे ये रुका हुआ है. हिंज को देशी भाषा में जैसे कोई मिस्त्री आएगा तो वो कब्जा बोलता है, जो हिंज होता है उसको लोकल लैंग्वेज में कब्जा बोलते हैं हमारे. तो ये कब्जा है, ये कब्जा, यही दो हिंजेस हैं और ये दरवाजा ऐसे रुका हुआ है हिंजेस के सपोर्ट पे. तो आपको बताना है कि दोनों हिंज में से कोई भी एक हिंज दरवाजे पे कितना फोर्स लगा रहा है. और इन्फॉर्मेशन ये दे रखी है कि ये दोनों हिंजेस जो फोर्स लगा रहे हैं ना उसका मैग्नीट्यूड बराबर है. मतलब अगर एक 10 न्यूटन लगा, डायरेक्शन पता नहीं किधर है लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है. अगर एक इधर 10 न्यूटन का लगा रहा है तो दूसरा भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है. देखिए भाई इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग. इसमें वही फोर्स और टॉर्क की कहानी खेलेंगे. तो जैसे पहले तो फोर्स देख लें, इस पर एक जैसे सेंटर ऑफ मास पे नीचे की तरफ एमजी लग रहा होगा, ठीक है. अच्छा, एक इस पे मैं ऐसा मान लेता हूं कि इस वाले पर एनएक्स लग रहा होगा और यहां एनवाई लग रहा होगा और इस पर एनएक्स डैश लग रहा होगा और एनवाई डैश लग रहा होगा. मानने में तो हमने मान ही लिया, चार चार वेरिएबल मान लिए. अब इसके बाद इसके अंदर देखें तो एक बात तुरंत समझ में आ जाती है कि ये चूंकि दरवाजा रुका हुआ है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे. अब हॉरिजॉन्टल में सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे तो एनएक्स और एनएक्स डैश इन दोनों का जोड़ जीरो होगा. हाँ, ये एनएक्स और एनएक्स डैश बाय नेट फोर्स बैलेंस होगा तो एनएक्स प्लस एनएक्स डैश इज इक्वल टू जीरो. तो एनएक्स डैश बेसिकली कितना हो जाएगा, माइनस एनएक्स. तो यहां पर हम तुरंत ऐसा कर सकते हैं, यहीं पे हम चेंज करके एनएक्स डैश को हम इधर बना दें और उसकी वैल्यू हम एनएक्स मान लें, ठीक भाई. ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे तो हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग से एक बात ये मिल गई. अब वर्टिकल बैलेंसिंग करते हैं. वर्टिकल में एमजी बराबर होगा एनवाई प्लस एनवाई डैश. वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम देखें तो एमजी जो होगा वो एनवाई प्लस एनवाई डैश होगा. और जो सबसे काम की इंफॉर्मेशन है वो यहां पे दे रखी है, ईच हिंज अप्लाइज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द डोर. तो दोनों हिंज जो फोर्स लगा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है. इसका मैग्नीट्यूड आएगा एनएक्स स्क्वायर प्लस एनवाई स्क्वायर और इसका मैग्नीट्यूड आएगा एनएक्स स्क्वायर प्लस एनवाई डैश स्क्वायर. तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं. एनएक्स स्क्वायर प्लस एनवाई स्क्वायर इज इक्वल टू एनएक्स डैश स्क्वायर प्लस एनवाई डैश स्क्वायर यहां जाएगा और एनवाई डैश हाँ तो ये एनएक्स और एनएक्स डैश तो कट गया तो यहां से एनवाई इज इक्वल टू एनवाई डैश आ गया. एक बात तो ये पता चल गई कि एनवाई एनवाई डैश के बराबर होगा. अब ये एनवाई डैश और एनवाई जो है एमजी इज इक्वल टू हम कर देते हैं टू एनवाई. तो एनवाई की वैल्यू जो आ जाएगी वो तो एक हमें वैल्यू पता चल गई एमजी बाई टू. ये एनवाई की वैल्यू आ गई. अभी एनएक्स की वैल्यू निकालनी बाकी है. एनएक्स की वैल्यू निकालने के लिए फोर्स से काम नहीं चलेगा. एनएक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें टॉर्क इक्वेशन लिखना ही पड़ेगा. तो मैं ऐसा करता हूं कि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क का इक्वेशन लिखता हूं. ये जो पॉइंट है इसके अबाउट मैं टॉर्क का इक्वेशन लिखूंगा. बड़ा बढ़िया पॉइंट है ये, क्योंकि इस पॉइंट से एनएक्स भी जा रहा है, एनवाई भी जा रहा है, एनवाई डैश भी जा रहा है, तीनों जा रहे हैं. तो इस पॉइंट के अबाउट इन तीनों का तो टॉर्क जीरो ही हो गया, सिर्फ दो फोर्स बचे एमजी और एनएक्स. तो अगर इस पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क लिखूंगा तो एमजी की जो लाइन ऑफ एक्शन है उस पर परपेंडिकुलर लगाऊंगा तो ये हो जाएगा एल बाई टू. तो एमजी इंटू एल बाई टू माइनस ये जो एनएक्स है इसकी लाइन ऑफ एक्शन पे यहां से परपेंडिकुलर गिराएंगे तो एल आ जाएगा. तो माइनस एनएक्स इंटू एल इज इक्वल टू जीरो. सॉल्व करेंगे तो एनएक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल से एल चला जाएगा, एनएक्स की वैल्यू आ जाएगी एमजी बाई टू.
तो जो nx आएगा वो mg by 2 के बराबर आ जाएगा और ny जो है वो भी mg by 2 के बराबर आ जाएगा। nx और ny दोनों mg by 2 के बराबर जाएंगे तो किसी एक हिंज का जो फोर्स आएगा वो अंडर रूट ऑफ nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर होगा और ये mg by 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा mg by 2 रूट 2, ये इसके बराबर हो जाएगा। ये जो वैल्यू आएगी ये mg by 2 रूट 2 के बराबर हो जाएगी और हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा mg upon रूट 2, ये इस तरह से आ जाएगा। तो हिंज के जो फोर्सेस हैं वो इस तरह से निकाले जा सकते हैं।